जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसार। तो IFBE का मेरे पास मशीन है 8.5 kg का। इससे पहले भी मैंने 7.5 kg IFBE के वॉशिंग मशीन से वीडियो बनाई है, डोमेस्टिक मशीन जो होते हैं। तो मुझे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये मशीन में हम डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन में क्या हम साड़ियाँ वॉश कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कौन सी साड़ियाँ कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिक यही क्वेश्चन लेंगे कि क्या हम डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन में साड़ियाँ वॉश कर सकते हैं या नहीं। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास दो तरह के वॉशिंग मशीन है। एक है 8.5 kg का IFBE का VXID डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन, और दूसरा है 15 kg का इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन। इन दोनों मशीनों में मैंने साड़ियाँ वॉश किए हैं और उसकी मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले बनाई हैं। IFBE के मशीन में साड़ियाँ वॉश तो मैं करता हूँ, बट कुछ सिलेक्टेड साड़ी का जो पैटर्न होता है ना, वो सिलेक्टेड साड़ियाँ ही वॉश कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्टीम आयरन है, रोल प्रेस सिस्टम है मेरे पास, रोल प्रेस की साड़ियाँ, रोल पॉलिश रोल प्रेस की, तो मैं कर सकता हूँ। सिलेक्टेड साड़ियाँ बहुत ही कम, 2-5% ऐसी साड़ियाँ होंगी जो मैं डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन में वॉश करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे महानुभव होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन लेने से हम ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट साड़ियां आप डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते हैं, नहीं वॉश कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सी साड़ी का कलर फिक्स है, कौन सी साड़ी का वर्क लूज है, क्या साड़ी पानी में जाने के बाद में क्या रिएक्शन होने वाली है, ये आप लोगों को नहीं पता है। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये साड़ी है, ये कम से कम 15,000 से 20,000 रुपए की साड़ी है, और इसको मैंने पेट्रोल वॉश किया है फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुई है। इसको सिर्फ अभी मैं स्टीम आयरन कर सकता हूं। अगर ये साड़ी आप मशीन में वॉश करते हो ना, तो ये साड़ी इस तरह से हो जाती है, मशीन में इस तरह से इसका बंच बन जाता है, और मशीन में इससे ऐसे ऐसे वॉश होते रहता है। उसमें आता है पानी आता है, मशीन में डिटर्जेंट आता है, और ये साड़ी का कलर जो है दो कलर की है, जो नेवी ब्लू कलर का जो बॉर्डर है ना साड़ी का, पल्लो और बॉर्डर, उसका कलर टू मच लूज है, सेंसिटिव कलर है। बहुत 99% चांसेस है कि वो कलर स्काई ब्लू कलर में लग जाएगा, या फिर शेड जो है ना स्काई ब्लू कलर का, वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, और ये जो जरी जो चमक रही है, इसकी भी शाइन उसकी वजह से चली जाएगी। ये तो ठीक है 15,000-17,000 रुपए की साड़ी है, अगर आप लॉन्ड्री बिजनेस करना चाहोगे तो ये साड़ी समझो आप नहीं डालोगे, लेकिन कोई ऐसी साड़ी होगी कि 1,000-2,000 रुपए की होगी, आप नहीं पहचान सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस का नॉलेज नहीं है ना, तो आप नहीं पहचान सकते हो कि साड़ी का कलर लूज है या फिक्स है। घर पे भी हमारी माता बहनें जो होती है, जो साड़ियां वॉश करना कर देती है मशीन में, क्योंकि उनको लगता है कि एक साड़ी वॉश करने से क्या होगा, बट साड़ी का जब कलर निकलता है ना, तो वो कलर का जो शेड बनता है पूरी साड़ी में, वो कलर लग जाता है। इसके वजह से आपको साड़ियां डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन में नहीं धोनी है। और अगर जो साड़ियां धो सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं कुछ साड़ियों के जो पैटर्न होते हैं वो मशीन वॉशिंग मशीन में भी धो के दिखाऊंगा आपको। लेकिन मेरे पास ये बात जान लीजिए कि मेरे पास फिनिशिंग का पूरा सेटअप है, साड़ी आफ्टर वॉश करने के बाद, सब साड़ी वॉश करने के बाद में, पानी में साड़ी जाने के बाद में, मेरे पास उसको 100% एज इट इज फिनिशिंग में कर सकता हूं। ये मेरे पास सेटअप है, आप लोगों के पास नहीं है। अगर आप घर पे डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन में अगर साड़ी वॉश करते हो, तो आपके पास वो सेटअप नहीं है। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि साड़ी हम हाथ से वॉश कर लेंगे और मशीन में हाइड्रो कर लेंगे, स्पिन कर लोगे, तो इसका भी एक रिस्क है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बात करोगे टॉप लोड सेमी ऑटोमेटिक मशीन की, जो मेरे पास पहले भी था, तो उसका ड्रम इतना था, 8-10 इंच का एक ड्रम आता है, उसमें आप कलर लूज साड़ी अगर डाल देते हो, साड़ी में से पानी तो निकलता है बट साड़ी आपस में टच होते ही है, तो उसके वजह से कलर लगने के चांसेस हैं। और आपके पास केमिकल नहीं है जो कलर फिक्स कर पाए,
जो कलर छोड़ना अवॉइड कर पाए, ऐसे केमिकल आपके पास नहीं है तो अवॉइड कीजिए साड़ी घर पे वॉश करना। और कुछ साड़ियां है जो फिक्स कलर है, अच्छा फैब्रिक है, उनको आप घर पे वॉश कर सकते हो, लेकिन वो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसकी प्रॉपर, तब तक आप वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो साड़ी आपको पहननी नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बट डेफिनेटली मैं इसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मैंने 800 वीडियो में से 100-200 वीडियो सिर्फ साड़ियां ड्राई क्लीनिंग एट होम ऐसी वीडियोस बनाई है, तो चेक कीजिए मेरे चैनल पे। कुछ साड़ियां मैंने MTO से ड्राई क्लीनिंग की है, कुछ साड़ियां मैंने पानी से ड्राई क्लीनिंग वॉश की है, और अच्छे से अच्छे रिजल्ट, और एक्सपेंसिव साड़ी और बहुत ज्यादा कलरफुल साड़ी भी मैंने पानी में वॉश करके दिखाई है, लेकिन उसका जो मेन पार्ट होता है ना आफ्टर फिनिशिंग का, वो सभी को नहीं आता है, इसीलिए मैं वो वीडियो ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, या कुछ ऐसा समझ लीजिए। अगर आप में डेडिकेशन हो, आप अच्छे से प्रेस की टेक्निक जानते हो, या घर पे वॉश करके बाहर रोल प्रेस रोल पॉलिश करवाने को दे सकते हो तो वॉश कर सकते हैं, बट मैं उससे रिलेटेड और एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा और प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स बस यही है, मशीनरीज होती है लेकिन वो हर काम के लिए होंगी ऐसा नहीं है। एडवांस मशीनरीज होती है ना, ये ओल्ड स्कूल साड़ियां है। ये साड़ियों को कीमत कब मिलती है पता है आपको? जब ये साड़ी को मैन मेड होती है ना, जब साड़ियां, तब ये साड़ी को 15,000-20,000 रुपए रेट मिलता है। अगर सेम साड़ी आप अगर सोचोगे, सेम ऐसी शेड की साड़ियां 2,000-2,000 में भी मिलती है, 1,000 रुपए में भी मिलती है, वो मशीन मेड साड़ियां होती है, उनको कोई भी वैल्यू नहीं है, एक बार वॉश करने के बाद में उसको फेंक देना पड़ता है, ऐसी भी साड़ियां होती है। लेकिन इस तरह की जो साड़ियां है इसमें आप रिस्क नहीं लोगे तो आपके लिए अच्छा है। और बहुत सारे लॉन्ड्री ओनर होते हैं जो ऐसी साड़ियां पानी में डालने के बाद में डैमेज कर देते हैं, उनको सिर्फ वॉश करना पता है लेकिन उसको फिनिशिंग करना नहीं पता है, रोल प्रेस क्या होता है वो नहीं पता, रोल प्रेस में क्या केमिकल लगते हैं वो नहीं पता है, साड़ियां स्टीम आयरन कैसे होती है वो नहीं पता है, ऐसी सारी छोटी मोटी बातें होती है। तो अवॉइड कीजिए साड़ी वॉशिंग मशीन में वॉश करना, क्योंकि मेरे को भी बहुत, मेरे पास जो ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं ना लोग, उन्होंने कहा कि सर हमने इस मशीन का ऑर्डर दे दिया है और अब इस मशीन में हम कैसे काम करें, तो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ उनको कि क्या काम उस मशीन में 100% हो सकता है और क्या काम उस मशीन में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, इसी से रिलेटेड मैं प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाऊंगा तो वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद फ्रेंड्स।